हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट का एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लिया, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एंड 7 नंबर पे ही दिया गया है रिक्रूटमेंट नोटिस, मेल डॉक्टर, लाइनमैन, मिडवाइफ एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, तो पहले हम डिटेल्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए ही ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। मेल डॉक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, 23 से 35 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर MBBS के साथ में 1 ईयर का इंटर्नशिप मांगा गया है और आपका रजिस्ट्रेशन विद MCI में होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइनमैन के लिए 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 21 से 30 साल है, OBC में 3 ईयर की छूट दी जा रही है। लेवल 2 की सैलरी है यहाँ पे। यहाँ पर 10th क्लास पास मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट के साथ में। इसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट है मिडवाइफ, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। लेवल 3 की सैलरी है, 21 से 30 साल कैंडिडेट हैं जनरल के लिए। OBC में 3 ईयर की छूट है एंड यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास 1.5 साल का या 2 साल का कोर्स होना चाहिए NM में एंड आपके पास सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 6 मंथ के मैटरनिटी का होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी में होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 21 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व में। बाकी OBC NSC को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से छूट दी जा रही है। लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इंटरमीडिएट पास आउट मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। आपके पास टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जो कि CCC सर्टिफिकेट या DOEX सोसाइटी द्वारा जारी होना चाहिए। एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। 10 मार्च 2023 तक एज की काउंटिंग की जाएगी एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। डॉक्टर्स की सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा। इसके अलावा जो भी है वहाँ रिटन टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान किया गया है। 0.33 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पे एंड देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या दी गई है। मेल डॉक्टर के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी एंड स्क्रीनिंग के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग का वेटेज 80% होगा एंड इंटरव्यू के लिए 20% वेटेज दिया जाएगा। लाइनमैन के लिए यहाँ पर जिस ITI सर्टिफिकेट के कोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस, GA इंग्लिश एंड हिंदी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। सभी में 2 आवर्स का समय दिया जा रहा है। मिडवाइफ में भी सेम है, ANM से 60 क्वेश्चन होंगे, GA जनरल अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, सभी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस, GA बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। 2 आवर्स का समय यहां पे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 1000 की एग्जामिनेशन फीस है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD एक्स सर्विस ट्रांसजेंडर मेल फीमेल वुमेन कैंडिडेट की किसी भी तरह की फीस नहीं है। आप 7 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 76 नंबर पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट। 7 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नॉट रजिस्टर येट, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेप दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फुलफिल करनी होंगी, देन आपको सबमिशन करना है, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।